हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में डॉक्स टोकन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, स्पेशली बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर क्या कुछ न्यूज़ आ रही है और जो अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे इससे यहां पर ये उम्मीद लग रही है कि 90% चांसेस है कि बाइनेंस यहां पर अवेलेबल करने वाला है डॉक्स टोकन को। और इसके कारण ही यहां पर अभी जो डिले किया गया है इनका प्रोग्राम, जहां पर ये लिस्टिंग जो है वो अब 23 अगस्त को करने वाले हैं, क्योंकि और भी एक्सचेंजेस के जो यहां पर डिपॉजिट वगैरह है वो यहां पर इनके द्वारा शुरू किए जाएंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं बाइनेंस को लेकर, लेकिन उसके अलावा यहां पर प्राइस को लेकर भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो क्या यहां पर बाइनेंस लिस्टिंग के बाद या फिर जब ये रिलीज होने वाला है, टोकनोमिक्स यहां पर पहले ही डिसाइडेड है, लेकिन यहां पर जब टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टीजी हो जाएगा, क्या डॉक्स का प्राइस यहां पर $0.1 तक जा सकता है या फिर $0.01 तक जा सकता है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। टोकनोमिक्स आपने पहले ही देख लिया, लगभग 550 बिलियन सप्लाई के साथ ये मार्केट में उतरा हुआ है। और पहले जो अपडेट्स आ रही थी वो आप यहां पर स्क्रीन पर देखिए, बाइनेंस को लेकर ये बताया जा रहा था कि लगभग 50 बिलियन डॉक्स जो है वो बाइनेंस के पास, इसके अलावा बायबिट, इसके अलावा ओकेएक्स, इसके अलावा गेटडॉट है, ये सभी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। इनमें सिर्फ अगर आप बाइनेंस को छोड़ दें तो सभी ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है इसकी लिस्टिंग की। बायबिट ने भी कर दिया है, ओकेएक्स ने कर दिया है, गेटडॉट ने कर दिया है, एमईएक्स ने कर दिया है, कुकॉइन ने कर दिया है। सभी के पास अगर आप होल्डिंग देखेंगे, बायबिट जिसको शुरुआत में इन्होंने अवेलेबल कर दिया, ये दो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, सबसे पहले डिपॉजिट इन दोनों के ऊपर ही शुरू हुआ, जहां पर बायबिट के पास 26 बिलियन बताए जा रहे थे और यहां पर ओकेएक्स के पास 12 बिलियन। अब यहां पर इसको लेकर क्लैरिटी ये तो मिल गई है कि सप्लाई 100 बिलियन नहीं होने वाला है, सप्लाई यहां पर 550 बिलियन है। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो शो किया जा रहा है फर्स्ट नंबर पर बाइनेंस, जिसके पास 50 बिलियन डॉक्स बताए जा रहे हैं, ये यहां पर रियल भी हो सकता है। वैसे टीम ने अभी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ना ही बाइनेंस की तरफ से आया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से बाइनेंस यहां पर मीम कॉइंस को सपोर्ट करता है, मीम कॉइंस काफी बड़े सप्लाई के साथ भी बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है, ये यहां पर डॉक्स टोकन भी बाइनेंस के ऊपर आ सकता है। इसके चांसेस यहां पर 80-90% है कि बाइनेंस यहां पर इसे अवेलेबल कर देगा। अब बात आती है यहां पर बाइनेंस के अवेलेबल करने के बाद इसका प्राइस कितना जा सकता है। अभी अगर आप प्राइस देखेंगे तो यहां पर प्री मार्केट में इसका जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो अराउंड यहां पर 0.0014, मतलब बीट गेट पर आप देखिए यहां पर इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, बीट गेट पर टोटल वॉल्यूम वगैरह देखने को मिल रहा है 0.0014 के लेवल पर है। अगर आप इस प्राइस लेवल से भी यहां पर अपने टोकन्स को कैलकुलेट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आपके पास अभी यहां पर 1,00,000 टोकन है, तो 1,00,000 टोकन आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं 0.0014 के हिसाब से, तो यहां पर आपको कितना अमाउंट ये देने वाला है, लगभग आपको ये यहां पर $140 निकाल कर दे देगा अगर इस प्राइस लेवल पर जिस पर अभी ये बीट गेट पर शो होता हुआ नजर आ रहा है, बायबिट वगैरह पर देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, बदलने से मतलब कि यहां पर प्राइस जो है वो 0.002 पर चले जाता है, तो यही आपका प्रॉफिट जो है वो $200 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो आपके प्रॉफिट की बात हो रही है, किस बेसिस पर हो रही है यहां पर बात, ये हो रही है 0.002 के लेवल पर, इस प्राइस लेवल पर। लेकिन अगर 0.002 के प्राइस लेवल पर ये आता है तो यहां पर मार्केट कैप कितना देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो लगभग 550 बिलियन है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सप्लाई की थी, अदरवाइज तो हमने उम्मीद की थी कि यहां पर $500 निकाल कर देगा, लेकिन सप्लाई कितना निकला, 550 बिलियन। तो सप्लाई बेसिस पर अगर आप देखें तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.002 पर अगर ये रिलीज होता है तो यहां पर ये आपको कितना नुकसान देकर जाएगा, मतलब इसका मार्केट कैप यहां पर कितना हो जाएगा, 550 का आप डबल कर लीजिए कितना हो जाएगा, मतलब यहां पर जो मार्केट कैप हो जाएगा वो $1.1 बिलियन हो जाएगा, मतलब इतना मार्केट कैप यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पर ये जाता है 3 के लेवल पर तो फिर क्या यहां पर कैलकुलेशन बैठता है, तो यहां पर होगा इसका मार्केट कैप लगभग $1.6 बिलियन अगर यहां पर ये 4 के लेवल पर चले जाता है, जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 या 5 के लेवल पर जाए, शुरुआत में भी कर रहे थे जब यहां पर इसका सप्लाई 100 बिलियन बताया जा रहा था, तब यहां पर इसका प्राइस जो था प्री मार्केट में 0.005 था। अगर यहां पर 5 के लेवल पर जाता है, डायरेक्टली हम उसको ही यहां पर कैलकुलेट करके बता देते हैं, तो अभी टोटल सप्लाई है 550, तो यहां पर 550 में आप 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है 2750, मतलब अगर इसका मार्केट कैप यहां पर $2.7 बिलियन जाता है तो आपको यहां पर इसका प्राइस देखने को मिलेगा लगभग यहां पर 0.005, और अगर 0.005 चले जाता है तो फिर आपके 1,00,000 कॉइन जो आपको पास अभी यहां पर होल्ड पर होंगे, आपको मिलने वाले हैं, जो यहां पर अभी डिपॉजिट प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, तो ये आपके टोकन्स की कीमत हो जाएगी 0.005 के हिसाब से
$500, मतलब जो अभी यहाँ पर हम 1 के लेवल पर कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ $100 मिल रहे हैं, वहीं अगर यहाँ पर ये 5 के लेवल पर आ जाता है तो $500 मिलेंगे। अब क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं नॉट कॉइन की। नॉट कॉइन जब इनिशियल स्टेज में आया था, शुरुआत में ही आया था, इसका प्राइस अराउंड यहाँ पर 0.01 के लेवल पर ये अवेलेबल हुआ था, इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई थी, जहाँ पर इसका मार्केट कैप गया था $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, 1 से ऊपर गया था। उसके बाद बाइनेंस वगैरह ने अवेलेबल किया, प्राइस अभी अगर आप देखें तो अच्छा खासा हाई ये हिट करके आया। तो एक्सपेक्टेशन जितनी हम लगा रहे हैं डॉक्स वो यहाँ पर पूरी हो भी सकती है अगर यहाँ पर कम्युनिटी इसको सपोर्ट करेगी, मतलब किसी भी मीम टोकन को जैसा कि आप शिबा के साथ देखते हैं, डॉग के साथ देखते हैं या फिर वीफ वगैरह फ्लो की, इनके सप्लाई तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इनका प्राइस वगैरह आप देखेंगे या फिर इनका जो मार्केट कैप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट कैप बेसिस पर ये जो कॉइन्स अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो फ्लोकी हो शिबा हो, वो टॉप 50 में आते हैं और उसका रीज़न ये है कि ये फंडामेंटली भी कहने के स्ट्रॉन्ग है, इनकी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है। और अगर यहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बड़ी अभी के समय डॉक्स टोकन की हो चुकी है, लगभग 42 मिलियन यूजर्स यहाँ पर इसमें अपने टोकन्स को क्लेम करने वाले हैं। तो कम्युनिटी बेसिस पर तो ये बढ़ चुका है, बस सपोर्ट यहाँ पर मिल जाए और टीम थोड़ी सी प्रिपेयर रहे, मतलब यहाँ पर नॉट कॉइन इसको बेक करता है, इसके अलावा टोन ब्लॉकचेन अगर बेक करेगी तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये यहाँ पर इन द फ्यूचर 0.01 के लेवल पर भी देखने को मिलेगा जहाँ पर नॉट कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर 0.01 पर जाता है तो आपके 100,000 टोकन यहाँ पर कितने प्रॉफिट देकर जाएंगे आपको, वो अंदाज़ा लगाइए $1,000। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है, मतलब यहाँ पर सोच है हमारी इन द फ्यूचर ऐसा होगा, लेकिन मीम कॉइंस का कोई भरोसा नहीं होता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज में जब ये ट्रेडिंग अवेलेबल करेगा, इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो इसके प्राइस में अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ पर ये 0.001 या 2 के लेवल पर शुरुआत में आया तो यहाँ से इसका प्राइस 10 को भी एड कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर ज़्यादा दूर का ना सोचते हुए इसे यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल रहा है, पहली बार आपको कोई एयर ड्रॉप मिला हुआ है जिसको आपने क्लेम किया हुआ है, तो बेहतर है कि आप इसे सेल कर सकते हैं और यहां पर मौका मिले तब जाकर फिर इसे बाय कर ले। बाकी बात आती है यहां पर इसके $1 जाने की, तो $1 अगर जाता है तो यहां पर इसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, $550 बिलियन, जो यहां पर काफी ज्यादा मुश्किल, एक तरीके से नामुमकिन है अभी के समय में, और इन द फ्यूचर कभी ऐसा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर 0.1 की बात आती है तो यहां पर $55 बिलियन मार्केट कैप जाना चाहिए, जो यहां पर शिबा इनू कॉइन का ऑलमोस्ट गया भी है, लगभग $40 बिलियन के आसपास गया भी है। तो यहां पर 0.1 एक तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें $1 की तो वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी के समय में आप सिर्फ यहां पर ये उम्मीद लगाकर बैठे कि 0.001 या 2 और उससे ज्यादा यहां पर 5 के लेवल पर ये चले जाए तो भी यहां पर $2-3 बिलियन का मार्केट कैप ये गेन करने वाला है, जो क्रिप्टो मार्केट के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के आते से ही यहां पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर प्राइस हमें कितना देखने को मिल सकता है। बाइनेंस लिस्टिंग के बाद चांसेस काफी ज्यादा है कि यहां पर 2-0 के साथ इसका प्राइस 2 या 3 के लेवल पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। अब आपको होल्ड करना है नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा क्लेम काफ़ी लोगों के लिए जो टोन कीपर का यूज़ करते हैं 23rd of August को, टाइमिंग वगैरह जो है वो शेयर कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो भी यहाँ पर 23rd of August को ही होने वाली है, तो आप उसके लिए रेडी रहें, टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू।